उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के विधायक आ रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र जी 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी, दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, प्रदेश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा, धरने चलेंगे यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया, प्रशासन ने क्या धोखा दिया आपको, धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर सकते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ, बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, लट्ठी भाई नीचे कर ले रहे हैं। लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है, बीजेपी के 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है, मतलब किसानों को पारने का काम करा जा रहा है। ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना दोहरा चरित्र और कुछ नहीं, साफ है, अब आप यही रहूंगा। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, देखिए 30 जनवरी दिन भर।